वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दूसरे चरण में 19 अप्रैल को होगा मतदान। मुजफ्फरनगर, बागपत, नोएडा, बिजनौर में मतदान। 19 अप्रैल को अमरोहा, बदायूं, एटा में होगा मतदान। तो 19 अप्रैल को मैनपुरी, कन्नौज, इटावा में भी मतदान। ललितपुर, चित्रकूट और प्रतापगढ़ में 19 को मतदान। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मुजफ्फरनगर, बागपत, नोएडा, बिजनौर में मतदान कराया जाएगा। 19 अप्रैल को ही अमरोहा, बदायूं और एटा में भी होगा मतदान। मैनपुरी, कन्नौज, इटावा में मतदान। साथ ही साथ ललितपुर, चित्रकूट और प्रतापगढ़ में भी 19 को मतदान कराया जाएगा। वहीं यूपी चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। यहां यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। कुल 4 चरणों में होंगे मतदान। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। 2 मई को होगी पंचायत चुनाव की मतगणना। तो बड़ी खबर हम यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 4 चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 2 मई को चुनाव की मतगणना होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।